आपका सेट्स चल रहा है, ठीक है। इसमें आपने क्या क्या देखा? सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन देखा, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद सेट की डिफिनेशन देखा, फिर आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में आपने देखा कि सेट को दो तरीके से आप रिप्रेजेंट कराते हो। एक तरीका है आपका रोस्टर फॉर्म और सेकंड आपका है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, इसमें जैसे अगर यदि एक एग्जांपल लिया जाए सेट का, ऐसे द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4 एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आपका सेट है, किस फॉर्म में है? बिल्डर फॉर्म में है। इसे आप रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इसी सेट को दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिखते हैं, एक्स क्या है? इंटीजर है, तो वे इंटीजर आप बताएं जो इस इनक्वालिटीज को सेटिस्फाइज करता हो। आपका ये इनक्वालिटी है, इस इनक्वालिटी को क्या करे, सेटिस्फाइज करे, वो आपको एक्स की वैल्यू बतानी है। तो और ना कौन कौन से होंगे, एक तो 1 इसको सेटिस्फाइज करेगा, -1 भी सेटिस्फाइज करेगा, 0 भी सेटिस्फाइज करेगा और 2 भी करेगा और -2 भी सेटिस्फाइज करेगा। ये आपका सेट हो गया है। ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, ये रोस्टर फॉर्म में है, दोनों सेट सेम है, कोई अंतर दोनों में नहीं है, बस अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कराया गया है। ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट में आपने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स में ये आपके 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप सेट होते हैं। एक तो फाइनाइट सेट होता है, फाइनाइट सेट, और दूसरा होता है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट को आप फाइनाइट सेट कब कहोगे, सेट को आप फाइनाइट सेट कब बोलते हो? यदि आपके सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो, ठीक है, लिखना है आप इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट, जो आपको सेट दिया जाए, गिवन सेट, सपोज कर लो सेट ए है, इन द गिवन सेट ए इज फाइनाइट, यदि फाइनाइट होगा नंबर ऑफ एलिमेंट, देन सेट ए इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, अदरवाइज इनफाइनाइट सेट्स।
अदरवाइज इनफाइनाइट सेट सेट। ओके, इसका मतलब क्या है देखें आप, कोई एग्जांपल ले लो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं ए, और इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन है, ए बी सी डी ई एफ। तो अब आप बताओ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर लिखें आप, हियर द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स इन ए इज सिक्स। सिक्स कैसा कैसा, सिक्स आपका फाइनाइट है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज सिक्स। ठीक है, देयरफॉर ए इज फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। कहने का मतलब ये है कि आपके सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हैं। ठीक है, इन्हें काउंट किया जा सकता है, और काउंट करने पर एलिमेंट की संख्या कितनी मिलती है आपको, सिक्स मिलती है, जो कि क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट कहेंगे, अदरवाइज क्या कहेंगे, अदरवाइज आप इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जैसे कोई एक दूसरा एग्जांपल ले, एग्जांपल दूसरा एग्जांपल आप ले लो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसमें एलिमेंट आपके 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं, कहने का मतलब जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो इस सेट को क्या कहेंगे आप, तो इस सेट को आप कहेंगे इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, आप इसे इनफाइनाइट सेट कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर तुम देख रहे हो एग्जांपल ए में, फर्स्ट जो आपने लिया है सेट ए, उसमें कितने एलिमेंट हैं, सिक्स एलिमेंट हैं, सारे एलिमेंट क्या हैं, अलग अलग हैं। इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू सिक्स, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपके इनफाइनाइट हैं, इसलिए यह इनफाइनाइट सेट हो गया। ठीक है, अब हम लोग फाइनाइट सेट के विषय में बात करेंगे। ठीक है, ये तो फाइनाइट सेट को तुमने देख लिया, कोई सेट कब फाइनाइट होगा। अब ये फाइनाइट सेट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सेट आते हैं इस फाइनाइट सेट में, एक तो एम्प्टी सेट आता है, एम्प्टी सेट, और दूसरा आता है नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट में टू सेट्स आते हैं, एक एम्प्टी सेट और दूसरा नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, नॉन एम्प्टी और एम्प्टी सेट किसे बोलते हैं, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, उसे आप क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट बोलेंगे। ओके, एग्जांपल देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में ले चल रहे हैं, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन वन एंड लेस देन टू। यक्स आपका क्या है,
एक नेचुरल नंबर है, कहना मतलब x बिलोंग्स टू n। अब आप बताओ x क्या है, एक नेचुरल नंबर है। वह नंबर कैसा है जो वन से अधिक है और टू से कम है, तो बताओ ऐसा कोई एलिमेंट आप पाओगे जो वन से अधिक हो और टू से कम हो नेचुरल नंबर में, तो आप कहोगे नहीं। ठीक है, ऐसा एक भी एलिमेंट नहीं पाओगे। कहने का मतलब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, जीरो हैं। ठीक है, तो इस सेट को आप कहोगे फाइनाइट सेट। ओ फाइनाइट सेट तो है ही, इस फाइनाइट सेट में अब इसे आप क्या कहोगे, दिस सेट इज, अब इस सेट को आप कहोगे इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी कहो या नल बोलो या वाइड बोलो, एक ही बात है सेट। इस सेट को आप कहोगे एम्प्टी सेट, ओके, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल एक रूट टू हो गया और दूसरा क्या हो गया, माइनस रूट टू हो गया। ठीक है, ये भी आपका फाइनाइट सेट है, फाइनाइट सेट ये भी है, लेकिन उसे इसे आप एम्प्टी सेट बोलोगे। अब इसे क्या कहोगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो आप कहेंगे इस सेट में टू एलिमेंट्स हैं। ठीक, एक तो रूट टू है, दूसरा माइनस रूट टू है, कहने मतलब एलिमेंट है। जब एलिमेंट है तो अब इस सेट को आप कहोगे इज नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट। फाइनाइट सेट में दो प्रकार के सेट की बात आएगी, एक तो एम्प्टी सेट की बात आएगी, एक नॉन एम्प्टी सेट की बात आएगी। ठीक है, अब हम तुमसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, ये देखो, ये आपने एग्जांपल वन देखा, ये आपने एग्जांपल टू देखा। एग्जांपल वन कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। एग्जांपल टू कैसा सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। अब हम आपसे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको एग्जांपल, अब आपको बताना है दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अब आप बताओ यह आपका सेट कैसा सेट है। ठीक है, फाइनाइट सेट तो है, ये तो कन्फर्म है, हम फाइनाइट सेट के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनाइट सेट के अंदर की बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि ये एम्प्टी सेट है कि नॉन एम्प्टी सेट है, आपको ये बताना है। तो आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे, जो ये आपका ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे। तो ज़रा इस इक्वेशन को सॉल्व करो, खुद से करना है आप। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू क्या है, जीरो है। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू आ जाएगा। ठीक है, फिर आप एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट टू आएगा। ठीक है, x के दो वैल्यू आएंगे, एक प्लस रूट टू आएगा और दूसरा माइनस रूट टू आएगा। लेकिन साथ में आपको ये भी तय करना है कि यक्स आपका क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। तो यक्स क्यू होना चाहिए, क्यू का मेंबर होना चाहिए, क्यू का मतलब रेशनल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ जो रूट टू है, हियर रूट टू, ये रूट टू क्यू का मेंबर है कि नहीं है, तो आप कहोगे नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि रूट टू तो इरेशनल नंबर होता है ना, अब क्यों किसका सेट है, रेशनल नंबर का सेट है,
तो रूट टू तो क्यू का मेंबर है नहीं, इसका मतलब ऐसे ही माइनस रूट टू भी यह क्यू का मेंबर नहीं है। तो इसका मतलब कि इस सेट में जो आपने ये सेट लिया है, इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे, इज आपका आंसर आएगा इज एम्प्टी सेट। ठीक है, यहीं पर अगर थोड़ा सा चेंजिंग कर दिया जाए, ऐसे कर दिया जाए कि दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड यहाँ पर कह दिया जाए कि यक्स जो हो वो टी का मेंबर हो। टी क्या है, ये टी है आपका सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब तो टी इरेशनल नंबर हो गया, तो कहने में अब दो एलिमेंट आएंगे, और वो दो एलिमेंट कौन कौन आएंगे, वो एक तो रूट टू आएगा और एक माइनस रूट टू आएगा। इसको आप सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख लेंगे, इस सेट बिल्डर को ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर तुमको दिख रहा है इज नॉन एम्प्टी सेट। कहने का मतलब यह है कि यदि आपका एम्प्टी सेट नहीं होगा तो वह सेट कैसा सेट होगा, वह नॉन एम्प्टी सेट होगा। ओके, अच्छा, तुम्हारे दिमाग में एक बात ये उठ रही होगी, तुम सोच रहे होगे कि यह है आपका टी क्या है, टी ये आपका क्यू का है, ठीक है, और ये आपका एन क्या है, और फिर यहाँ पर कहीं हमने आई का भी नाम लिया था, इंटीजर का भी नाम लिया था, देखो ये आपका आई क्या है, इसके विषय में जरा हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, देख लो, कैपिटल एन को आप कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसका मतलब है इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। कैपिटल एन को कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, इस सेट को डिनोट करने का यह मतलब सभी लोग कैपिटल एन से ही डिनोट करते हैं, तो तुम भी कैपिटल एन से ही डिनोट करोगे। कैपिटल एन का मतलब हो जाएगा उसमें 1, 2, 3 ऐसे इन्फाइनाइट नंबर आएंगे। W यह भी एक सेट है, यह किसका सेट है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, इसे एंड सो ऑन इन्फाइनाइट तक जाएंगे नंबर। इंटीजर में कौन कौन से नंबर आते हैं, इंटीजर में 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, ऐसे आप एंड सो ऑन। इसके 0 के पहले भी नंबर आते हैं, -1 आते हैं, और पहले -2 आते हैं, इस तरीके से आप इधर भी एंड सो ऑन। ठीक है, शुरुआत का कौन सा नंबर होगा ये एग्जिस्ट नहीं करता है, लास्ट का कौन सा नंबर होगा ये भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जनरली लोग माइनस इन्फाइनाइट से लेकर प्लस इन्फाइनाइट तक ऐसे कहते हैं, ठीक है, माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट करके, इसे बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, इसे बोलते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स, इसे बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर आपको सेट ऑफ इरेशनल नंबर कहा जाए तो आप समझ लेना क्यू की बात की जा रही है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप ऐसे लिखते हैं दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू, ठीक है, बट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेयर पी एंड क्यू आर
इंटीजर्स। ठीक है, कहने का मतलब पी और क्यू किसके मेंबर होने चाहिए, इंटीजर्स के, यानी पी क्यू का आई का मेंबर होना चाहिए, क्यू आई का मेंबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो आप लिख सकते हैं। अब बात ये उठती है, आप सोच रहे हों कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया गया, सेट ऑफ होल नंबर को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया गया, सेट ऑफ इंटीजर को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कराया गया। ठीक है, तो सेट ऑफ रेशनल नंबर को सेट बिल्डर फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट कराया गया। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप के जो एलिमेंट हैं ये अनकाउंटेबल हैं, आप काउंट नहीं कर सकते हैं। W कैसा इंटीजर है, इनफाइनाइट सेट है, ये भी इनफाइनाइट सेट है। I भी इनफाइनाइट सेट है, Q भी इनफाइनाइट सेट है। कहने मतलब जो भी इनफाइनाइट सेट होंगे सबको हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। जैसे इस n को आप सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो, अगर इस n को आपको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हो नेचुरल नंबर, जो कि इनफाइनाइट सेट है। इसको भी आप लिख सकते हो, W को भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल x, x इज ए होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीजर को भी लिख सकते हो, इंटीजर को आप लिख सकते हो आई को लिख सकते हो, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, ऐसे भी लिख सकते हो। बट क्यू को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते हो, क्योंकि क्यू में जो भी एलिमेंट आते हैं उसके बाद का कौन सा नंबर होता है ये आप नहीं बता सकते हो। जैसे यहाँ पर W में देखो, 2 के आगे कौन सा नंबर है, 3 है, 2 के पहले कौन सा नंबर है, 1 है। ऐसे ही देखो, -2 के आगे कौन सा नंबर है, -1 है, -2 के पहले कौन सा नंबर है, तो आप कहोगे -3 है। ठीक है, ऐसे ही नेचुरल नंबर में देखो, 3 के आगे कौन सा नंबर होगा, 4 होगा, 3 के पहले कौन सा नंबर होगा, 2 होगा। बट रेशनल नंबर में आप ऐसा नहीं बता सकते हो, इसलिए क्यू जो है ये इनफाइनाइट सेट तो है लेकिन आप इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। जब भी लिखा जाएगा ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। और यहाँ पर तुमने देखा, नेचुरल को दोनों तरीके से लिख सकते हो, होल को दोनों तरीके से लिख सकते हो, आई को भी दोनों तरीके से लिख सकते हो। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्यू आपका हो गया, अब टी पर बात करते हैं। टी क्या है, टी द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज नॉट इक्वल टू पी अपान क्यू। ठीक है, पी क्यू जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, और पी क्यू किसके मेंबर होने चाहिए, पी भी आई का मेंबर होना चाहिए, और क्यू भी किसका मेंबर होना चाहिए, आई का। ठीक है, तो इसे आप कहते हैं द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ओके, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, इसमें आपके एलिमेंट आते हैं, अगर इसके इरेशनल की बात की जाए, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, जैसे रूट थ्री यह किसका मेंबर है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर का, इसका मेंबर है। ठीक है, और 1/2 टी का मेंबर नहीं है, 1/2 किसका मेंबर है,
वन अपॉन टू क्यू का मेंबर है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर मैं और आपसे पूछूं, मैं कहूं बताओ माइनस टू किसका मेंबर है, किस किस सेट का, तो माइनस टू देखो किसका मेंबर है, माइनस टू इंटीजर का मेंबर है। ठीक है, तो आप बता सकते हो, कह सकते हो माइनस टू इज यह मेंबर है आई का। माइनस टू को आप लिख सकते हो माइनस टू अपान वन, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, इसलिए आप इसे कह सकते हो देयर फोर माइनस टू इज मेंबर ऑफ, किसका मेंबर बनेगा ये, क्यू का। ठीक, ओ सॉरी गलत हो गया, यहाँ पर हमने ये मेंबर नहीं है लिख दिया, माइनस टू बिलोंग्स टू क्यू, माइनस टू बिलोंग्स टू क्यू, कहने का मतलब माइनस टू जो है क्यू का मेंबर है, माइनस टू। ठीक है, अब बताओ जीरो की बात कर रहे हैं, जीरो किसका किसका मेंबर है, जीरो बिलोंग्स टू आई, सही है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, जीरो बिलोंग्स टू डब्लू, तो भी कहोगे हाँ सही है, जीरो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आप कहोगे नहीं, जीरो एन का मेंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा गया, जीरो बिलोंग्स टू एन, जीरो एन का मेंबर है, तो आप कहोगे नहीं है, तो इसका मतलब ये फॉल्स है ना। फिर देखो जीरो क्यू का मेंबर है, तो आप कहोगे हाँ है, तो ये सही है, जीरो टी का मेंबर है, तो आप कहोगे नहीं, तो जो नहीं है उसको सही करो, उसको सही करोगे तो ऐसे कहोगे जीरो मेंबर नहीं है किसका, एन का, अब सही है, जीरो मेंबर नहीं है किसका, टी का। ओके, टी मतलब सेट ऑफ इरेशनल नंबर, जीरो बिलोंग्स टू आई, जीरो बिलोंग्स, जीरो बिलोंग्स टू क्यू, जीरो बिलोंग्स टू डब्लू। ठीक है, ये जितने भी नंबर हैं सारे नंबर को आप एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा सकते हो, एक लाइन आप बनाओ। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे एरो लगा दो, इधर इधर ऐसे एरो लगा दो, एक नंबर लाइन है, एक यह एक लाइन है। ठीक है, इस लाइन पर आप सारे नंबर को रिप्रेजेंट करा सकते हो, इसलिए इसे बोलते हो नंबर लाइन, इसलिए इसका नाम पड़ता है, इस लाइन पर आप सारे नंबर रिप्रेजेंट करा सकते हो, इसलिए इसका नाम पड़ता है नंबर लाइन, नंबर लाइन। और इसका नाम, और एक और नाम है रियल लाइन, रियल लाइन। ओके, रियल लाइन क्यों नाम पड़ता है उसको अभी हम बताते हैं। यहाँ पर इस लाइन पर कितने पॉइंट हैं, अगर आप विचार करें तो इस लाइन पर कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, और सारे पॉइंट आपके अलग अलग हैं। ठीक है, तो इसलिए जितने पॉइंट हैं उतने नंबर हैं, तो कितने पॉइंट हैं, इनफाइनाइट पॉइंट हैं, तो कितने नंबर होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे, सारे पॉइंट अलग अलग नंबर को रिप्रेजेंट कराते हैं, कहने का मतलब हर पॉइंट यूनिक होगा, तो हर पॉइंट यूनिक है, हर पॉइंट एक यूनिक नंबर को रिप्रेजेंट कराएगा। तो मान लो यह पॉइंट क्या है, जीरो है, यह पॉइंट क्या है, वन है, यह पॉइंट क्या है, टू है, यह पॉइंट क्या है, थ्री है, ऐसे ही नंबर लाइन के जब हम लेफ्ट में जाते हैं तो इधर हमें क्या मिलता है, माइनस वन कहीं है, यहाँ पर माइनस टू है, इधर माइनस थ्री है। ओके, इस तरीके से हमारे नंबर आगे इधर बढ़ते जाएंगे, प्लस इनफिनिट तक चला जाएगा, और पहले आते जाएंगे तो माइनस इनफिनिट तक चला जाएगा। ठीक है, तुम देख रहे हो आपके
सेट ऑफ नेचुरल नंबर के सभी एलिमेंट इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट है, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ होल नंबर के सारे पॉइंट, सारे एलिमेंट इस लाइन पर रिप्रेजेंट हैं। इस लाइन पर इंटीजर के सारे एलिमेंट रिप्रेजेंट हैं, ठीक है। इस लाइन पर देखो एक पॉइंट 0.5 भी होगा। कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। यह पॉइंट कौन सा है? इस पॉइंट को आप क्या कहेंगे? 0.5 बोलेंगे। जैसे यहाँ इसको 0 बोला है, इसे 1 बोला है, तो ऐसा ये जो पॉइंट है ये कौन सा नंबर बताएगा? 0.5 बताएगा। और 0.5 को आप लिख सकते हो 5/10। अब 5/10 को लिख सकते हो 1/2। अब देखो 1/2 क्या है? 1/2 P/Q के फॉर्म में है, इसलिए 1/2 बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मेंबर हो गया, क्योंकि P/Q के फॉर्म में है। तो 1/2 यानी क्यू के सारे एलिमेंट इसी तरीके से इस नंबर लाइन पर हैं। ऐसे ही इरेशनल, जैसे यहाँ देखो आपका √3 है, √3 भी इसी नंबर लाइन पर है, ठीक है। तो इस नंबर लाइन पर इन सब को जितने भी पॉइंट हैं, ठीक है, आपके वो सब किसी न किसी नंबर को रिप्रेजेंट कराएंगे, और सारे नंबर आपके यूनिक होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो इसलिए यदि इन सब को मिला के बोला जाए, इनका यदि सबको एक साथ कहा जाए, तो इन्हें हम कहते हैं रियल, द सेट ऑफ रियल नंबर इन्हें कहते हैं। इसका नाम, एक नाम और पड़ जाता है, कैपिटल आर। कैपिटल आर मतलब दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, इस आर को आप ऐसे भी लिखते हैं। इस इधर का पॉइंट क्या होगा? माइनस इन्फिनाइट होगा, और इधर का पॉइंट क्या होगा? प्लस इन्फिनाइट होगा। इसके बीच में जो भी आएंगे नंबर, वो सब किसको बताएंगे? इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे वो सब कैपिटल आर को बताएंगे। और कैपिटल आर क्या है? कैपिटल आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स। ओके, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिख सकते हैं इस तरीके से, ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल आर इज इक्वल टू दिस सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ऐसे। अब इसमें वो सारे पॉइंट आ गए जो इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हैं, वो सारे पॉइंट इसमें आ गए, तो इनका कलेक्शन क्या कहलाएगा? कैपिटल आर कहलाएगा, ठीक है। तो कैपिटल आर में ये सारे मेंबर आ जाते हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 माइनस नेगेटिव पॉजिटिव P/Q फॉर्म में हो या P/Q के फॉर्म में ना हो, सारे नंबर इस आर में आ जाते हैं। ओके, तो आज आपने क्या क्या देखा? आपने देखा टाइप्स ऑफ सेट से, आपने देखा फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट कब कहोगे? जब नंबर ऑफ एलिमेंट आपके सेट में फाइनाइट हो तो फाइनाइट सेट कह दोगे। कहने का मतलब एलिमेंट यदि काउंटेबल हैं तो फाइनाइट सेट, यदि काउंटेबल नहीं है तो इनफाइनाइट सेट। उसके अलग अलग एग्जांपल देख लिया आपने, ये देखो ये ए जो है फाइनाइट सेट है, और कैपिटल एन जो है इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल है। फाइनाइट सेट में आपने देखा एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट को नल सेट, वाइट सेट भी कहते हैं। ओके, और इस नल सेट को डिनोट किया जाता है फाई के द्वारा। देखो इसे डिनोट करते हैं, इस सेट को डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। ऐसे डिनोट करते हैं, एक तरीका और है, या कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रखते हैं, ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो आपका जो फाइनाइट सेट होगा या तो एम्प्टी सेट होगा या नॉन एम्प्टी होगा। ओके,
इसके भी आपने एग्जांपल देख लिया। फिर उसके बाद आपने देखा सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ओके। फिर आपने देखा सबको मिला कर देखा सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करा दिया। इस नंबर लाइन पर सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं, ओके, चाहे वो नेचुरल के हों, चाहे होल के हों, चाहे इंटीजर के हों, चाहे जिस सेट के हों, सारे नंबर इस नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो जाते हैं, ओके। और तुमने ये भी देखा कि जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोई भी इनफाइनाइट सेट है उसे आप रोस्टर फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। जैसे देखो n था, n को आपने रोस्टर में भी लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख दिया। w को रोस्टर में भी लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। बट q को आप सेट बिल्डर फॉर्म में तो लिख दिया, लेकिन सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ओके। ये बात आपने देख लिया। अब हम लोग इक्वल सेट के विषय में देखेंगे, ठीक है। आप नेक्स्ट हेडिंग डालें इक्वल सेट, इक्वल सेट्स। इसमें आप लिखना टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल, सेट टू बी इक्वल, ठीक है। दो सेट को आप इक्वल सेट बोलोगे कब, यदि इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। देख रहे हैं कि इनके पास एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। जो आपके पास दो सेट्स हैं अलग अलग, ठीक है, टू सेट्स, उनके पास यदि एग्जैक्टली सेम नंबर होंगे, सेम एलिमेंट्स होंगे, सेम ऑब्जेक्ट होंगे, सेम मेंबर होंगे, तो ऐसे सेट को आप इक्वल सेट कह देंगे। एग्जांपल में देखो, को एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक सेट आपका है 1 2 3 4, ये आपका एक सेट है। आइए एक दूसरा सेट है 3 1 2 4, ये आपका एक सेट है, ठीक है। यदि इसका नाम आप ए बोलो, इसे कंसीडर कर लो, ये आपका ए है और ये आपका बी है, ठीक है। तो तुम देखो सेट ए और बी दो सेट हैं। ए में जो एलिमेंट हैं ठीक वही एलिमेंट बी में भी हैं, ठीक, एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स वही हैं, जो ए में हैं वही एलिमेंट बी में है। अब यहाँ पर आप कहोगे ये दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं, तब आप इसे कैसे लिखेंगे। वी राइट, आप लिखेंगे इसे ए इज इक्वल टू बी। अब आप इसे लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। कहने का मतलब इसमें एलिमेंट जितने हैं ठीक उतने ही एलिमेंट इसमें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 एलिमेंट यहाँ भी हैं। जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में है। 1 ए में है तो 1 बी में भी है, 2 ए में है तो 2 बी में भी है, 3 ए में है 3 बी में भी है, 4 ए में है 4 बी में भी है। अब इसको अगर हम सेट के रूप में अगर ऐसे बताना चाहें तो 1 बिलोंग्स टू ए तो 1 बिलोंग्स टू बी, 2 बिलोंग्स टू ए 2 बिलोंग्स टू बी, 3 बिलोंग्स टू ए 3 बिलोंग्स टू बी, 4 बिलोंग्स टू ए 4 बिलोंग्स टू ए। कहने मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है, वो प्रेजेंट है ईच इन बी में। ए के जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट किसमें प्रेजेंट हैं, बी में, और बी के सारे एलिमेंट प्रेजेंट है ए में, तो आप कहेंगे इक्वल सेट्स और उसको लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, ओके। अब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना सकते हैं।